हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेबा खान मलिक फैमिली व्लॉग। तो गाइज, हम निकल रहे हैं नैनीताल से, और ये था हमारा वो रूम जहां हम ने रात स्टे किया है यहां पे। और जैन बिल्कुल अभी सोकर उठे हैं और हमारा सामान जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो होटल वाले हैं और पापा नैनीताल अम्मी आप सबको बाय कर रहे हैं। तो सोकर भी थोड़ा लेट ही उठे थे और फिर जल्दी जल्दी से निकलना था यहाँ से, तो इसलिए बस नाश्ता वगैरह किया और निकल गए। पापा सबको हाय कर दो, चलते हैं अब। चलो। तो गाइज, आज का जो व्लॉग है वो इंशाल्लाह मैं पूरा रास्ता लेने वाली हूँ नैनीताल टू दिल्ली, तो बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा। जैन, तो गाइज ये हमारा रूम था होटल का, और हमारी विंडो का व्यू देखिए जरा आप, कि पूरा का पूरा नैनीताल यहाँ से इतना प्यारा सा नजर आ रहा है। और गाइज हमारा होटल माल रोड से बस कुछ ही दूरी पे, मतलब इस तरफ माल रोड है और लेक, और रात में यहाँ इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था सब लाइटिंग वगैरह, और वहाँ भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्यारे से व्यू आ रहा है। आज का मौसम देखिए आपकी धूप निकल गई, क्योंकि आज हम जा रहे हैं तो मौसम बहुत अच्छा है। और हमारी गाड़ी निकल रही है वहां से, दानिश नीचे ही है बच्चों के साथ, तो अब हम चल रहे हैं जैन, है ना शोरा, चले चले गप्पे, चले गप्पे, चले चप चप, ये क्या होता है? पापा। तो हम आ गए हैं नीचे। पापा। और ये था हमारा होटल जहाँ हम रुके, और माल रोड है मेरे इस तरफ। चले जैन, हम निकल रहे हैं यहाँ से, चलो बच्चों जल्दी से सफर की दुआ पढ़ लो। तो गाइज यहाँ पर मिल रही है सारी की सारी पहाड़ी वेजिटेबल्स, और बड़ी ही फ्रेश है ये, लेकिन हम यहाँ पे वेजिटेबल्स लेने के लिए नहीं रुके, हमने लेने थे नींबू, क्योंकि नैनीताल के नींबू बहुत बड़े बड़े होते हैं ऑरेंज के साइज में। पापा, पापा, ये क्या क्या ये? सलजम, सलजम, सलजम गोश, ले लूं सलजम, एक आध किलो ले लूं। तो दानिश शलजम देख रहा कि घर जाके शलजम गोश्त बनवाएंगे। तो ये इन्होंने ले ली इतनी सारी सब्जियां, क्या क्या ले लिया दानिश, इतना सारा सामान, गोल मूली, गोल मूली और गाजर, पहाड़ी गाजर, ये पहाड़ी नींबू, ये आलू छोटा, सबसे छोटा आलू, ये तो बड़े क्यूट लग रहा है छोटे छोटे से आलू, ये खोल के दिखाना जरा, लग जाए गाड़ी वाली से। ये पहाड़ी आलू है, काला आलू है, काला। तो ये गरम होता है दानिश, पहाड़ी आलू, अच्छा, 60 रुपए किलो, तो दानिश ने यहाँ से सारी की सारी सब्जी खरीद ली। तो ये है यहाँ की सब्जियाँ इतनी ज्यादा प्यारी सी, और ये है यहाँ पे आलू सारे अलग अलग तरीके के, और वो है वहाँ पे जाते हुए पहाड़, और वो है वहाँ पे जाते हुए पहाड़, है ना जी? हाँ। जैन ने इस बार इतना परेशान कर दिया, हम कितने साल बाद आएंगे? 20 साल बाद। 20 साल बाद अबे जाओ, छड़ी लेकर। जैद क्या कह रहे थे जैद? पापा 20 साल कह रहे हैं, तो 20 में दो नंबर आते, 0 को हटा दो, 2 महीने बाद आएंगे अब हम कहीं और, शिमला या मसूरी। 2 महीने बाद मसूरी, और बाहर का व्यू। बेटा जैन को तुझे ही दे दूंगा मैं फिर, मम्मी लो,
मैं नहीं लेक तो पता नहीं कहाँ चली गई हो। तो गाइज हम रुक गए रास्ते में, यहाँ पर है कोई मैगी पॉइंट, तो अब बच्चों को हम मैगी खिलाएंगे। और यहाँ के व्यूज इतने ज्यादा प्यारे हैं, बहुत ज्यादा। तो गाइज हमारी मैगी बन गई है और अम्मी पापा की बड़ी ही सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रही है। किस बारे में चल रही है? नहीं बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि घर जा रहे हैं ना, तो वापस से वही सारी टेंशन है शुरू हो जाएंगी। तो फिलहाल हम ले रहे हैं मैगी के मजे। हम नहीं, फिर अद्दू 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 मजे ले रहा। अद्दू अली मेरी अद्दू अली मेरी अद्दू को खिलाओ। खा लो खा लो, डेढ़ साल बाद पहुंचेंगे। अबे तू तो बावला है दावर। खिलाना नानी शिशु। अली भैया ये मैगी किसकी है? का ये अद्दू की है मैगी? गाइस मैंने यहाँ गाड़ी रुकवा ली क्योंकि यहाँ पे इतने प्यारे व्यू लग रहे थे, और मैं आपको भी दिखाऊंगी वो व्यूज़। और मैं काफ़ी ऊपर चढ़ गई, देखिए ज़रा आप। और यहाँ भी इतना ज़्यादा प्यारा है सब कुछ, तो मुझे ऐसा लगा कि जाते जाते मुझे ये सब कैप्चर करना चाहिए अपने फ़ोन में, तो इसलिए मैंने दानिश को बोला कि दानिश गाड़ी रोक लो, मैं थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो गाइज़ देखिए ज़रा कितना ज़्यादा, मतलब कैमरे में ये इतना खूबसूरत नहीं लग रहा, लेकिन रियल में ना बिल्कुल भी नज़रें हटाने को दिल नहीं कर रहा इस पे से, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर ये पता नहीं कैसा है पहाड़, मतलब ये पूरा पत्थर पत्थर, शायद इसमें से कटिंग हुई हुई है पत्थरों की, तो ये भी बड़ा खूबसूरत है। और ये रहे बाकी सब, मेरा वेट कर रहे हैं। पापा इधर देखो, पापा बड़े ही मसरूफ है बाहर देखने के। और फाइनली सारे के सारे पहाड़ हमने पीछे छोड़ दिए, और बस लास्ट ही चल रहा है कि हम सीधी वाली जमीन पे आने वाले हैं। और यहाँ बोर्ड भी आ गया। काला डोंगी ले लूँ फिर से? क्यों काला डोंगी? 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर इधर से, शहरों में जंगलों में नहीं, अब नहीं जाना भाई। हमारे रास्ते में अब गांव आने शुरू हो गए, मतलब खेत, और हमने गाड़ी रोकी है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर पीछे अमरूद का स्टॉल है, तो दानिश अमरूद लेने के लिए गए, क्योंकि रास्ते में जो फ्रूट्स मिलते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, है ना, बिल्कुल फ्रेश फ्रूट।
रेन। अच्छा क्या कर रही हो मम्मी? सो गई थी तो मम्मी पता ना? आज तो मैं दो गोली नहीं खाई। हाँ अम्मी अम्मी को वॉमिट होती है गाड़ी में, तो अम्मी को वॉमिट के लिए गोली खानी पड़ती है, तो उस गोली में इतना नशा होता है कि अम्मी आते में भी सो रही थी और मैं अम्मी से कह रही थी अब तुम जाते में भी सोगी। अभी तक नींद आई वैसे? हाँ तो अब अमरूद खा के तुम सो जाना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी तो ये पूरा जंगल चलने वाला है यहाँ पे, फिर जब रोड पर उतर जाएंगे ना ढाबे वगैरह आएंगे फिर खाना खाएंगे। तो हमारे अमरूद आ गए सही है, बहुत बड़े बड़े थे ना तो कट भी ज्यादा लगा दिए। और दानिश ने अपने कपड़े कम करे क्योंकि उन्हें लग रही थी गर्मी बहुत ज्यादा। फेंक नंबी बीज है। लो दानिश अमरूद। हाँ बेटा अम्मी को दो ना पीछे। हाँ दे दो अम्मी को पीछे। मम्मी ले लेना भैया आइसक्रीम, बेटा रास्ते में कहीं भी पड़ेगी ना वहीं से लेंगे, अभी मिली थोड़ी है कहीं पे भी। एक बीजू चलो सोना, देखो कितना प्यारा सा रास्ता है ना। दानिश फिर रुक गए हैं फ्रूट स्टॉल पर, क्योंकि जैद और दावर की फरमाइश हो गई है कि इनको ग्रेप्स खाने हैं, तो ब्लैक और ग्रीन ग्रेप्स ले रहे हैं दानिश। बच्चा क्या लोगे तुम? चिज्जी चिज्जी खाओगे? तो ये फ्रूट्स बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। अमरूद मुझे पसंद नहीं है लेकिन मैंने बहुत अच्छे से खा लिया। अच्छे थे ना अमरूद? बहुत अच्छे बहुत अच्छे लग रहे थे। हमारा एसी ऑन हो गया क्योंकि हमें लग रही है गर्मी। नैनीताल से सबने दो दो तीन तीन पजामे और टी शर्ट पहन रखी थी, तो सबके कपड़े हल्के हो चुके हैं और अब चल गया एसी क्योंकि गर्मी लग रही है। इचाई गाइस अभी हमने यहाँ से टोल किया पास और हमने यहाँ पे गाड़ी लगाई है। जैद दावर मस्ती कर रहे हैं, वहाँ मम्मी पापा भी हैं और दब्बू ये रहे। और यहाँ आते ही गाइस इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है। तो गाइस अब हम रामपुर में एंटर कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली वाला रूट शायद खराब हो रहा है, तो हमें रामपुर में से होकर जाना पड़ेगा। ऐसे क्या हाईवे पे काम चल रहा है? हाईवे पे काम चल रहा है, तो ये बरेली रामपुर और गाजियाबाद। आई लव रामपुर, हमारा रामपुर। जोया टोल प्लाजा आया ना नानिश? हाँ अभी पीछे देखा था।
गाइस ये है ब्रज घाट की गंगा और गड़गंगा स्टेशन भी इसका बिल्कुल नॉर्थ पे है। ये है गड़गंगा, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, मुझे पता नहीं पापा बता रहे हैं। ये है घाट आगे और वहाँ पे क्या है पापा, वो घाट है क्या? घाट है हाँ। वहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है क्या? बोट्स खड़ी हुई है ना वहाँ पे। तो गाइस हम गढ़ आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं शिवा ढाबा, तो वो यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है। और वाह नरेश कितनी सारी चीजें मिल रही है, ये वाली जरूरत नहीं है, वैसे है ना हैंगी हमारे पास, हमें लेनी तो नहीं है। एक और टोल प्लाजा, पानी है कम नहीं। तो गाइस हम आ गए हैं शिवा ढाबा के पास और अब जाना है सबको अंदर। और यहाँ पे तो जैद दावर के लिए काफी सारी एक्टिविटीज है। गाइस ये है शिवा ढाबे का वॉशरूम और सबसे पहले हम लोग वॉशरूम में ही आए थे, तो ये हम मैं वॉशरूम के बाहर हूँ। चलो चलो गाइस दानिश कर रहे हैं यहाँ का मेन्यू चेक। जैद क्या, जैन क्या हुआ? जैद दावर ये बैठे हुए, अम्मी पापा ये रहा। मैं भी दानिश की थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। स्पेशल चाट, दानिश चाट में कुछ देख रहे हो क्या? कुछ वो नहीं है, छोले भटूरे वगैरह, मेरा दिल कर रहा खाने का। गाइस दानिश ऑर्डर दे रहे हैं और हमारा आने से पहले ना खाने जैन ले रहा है यहाँ पे दूध पीने के लिए, और ऑर्डर दे रहे हैं दानिश। कैसी होती है आलू की होती है तो यहाँ की सर्विस मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। सबसे मेन चीज़ वॉशरूम बहुत अच्छा है, बाकी का मैं खाना फर्स्ट टाइम यहाँ पे टेस्ट करने वाली हूँ, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि गाइस यहाँ का खाना कैसा है। बाकी यहाँ पे काफ़ी क्राउड हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो गाइस हमारी चौमिन आ गई है यहाँ पर और ठीक है फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज बच्चों के फ्रेंच फ्राइज भी आ गए और ये है हमारी चौमिन। कौन सी चौमिन है? पनीर चाउमीन। तो इसकी प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी है, तो निकालो ना फिर।
गाइस हमारे भटूरे भी आ गए और कैसे अम्मी खाने में अच्छा है टेस्ट पर खाओ ना गरम गरम अच्छा लगेगा और जैद दावर अपने फ्रेंच फ्राइज एंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से सैन यहाँ पे आ जाओ और जैन की हरकतें देखो तो गाइस दानिश की फेवरेट चीज आ गई है पनीर के पकोड़े और चाय भी अभी आ रही है तो ये दानिश को तो जरूर खाना था क्योंकि दानिश के बहुत ज्यादा फेवरेट है ऐसा ही है तो खाओ फिर अम्मी पापा को भी खिलाओ तो मैं तो फर्स्ट टाइम खाऊंगी है लेकिन दानिश सबसे पहले जब भी मुरादाबाद आए तो वो जरूर आकर खाकर जाते हैं तो गाइस ये है नींबू का खट्टा मीठा अचार पापा ने टेस्ट किया तो पापा कह रहे हैं मैं भी खाकर देखूं काफी टेस्टी है खाने में ये तो गाइस मैं नींबू का अचार टेस्ट करने जा रही हूँ अच्छा है ये कैसा अचार है नींबू का अचार तो मीठा हो भी नहीं सकता अच्छा लग रहा मुरब्बे की तरह से लग रहा है गाइस हमारी चाय भी आ गई है और अब जल्दी से हम चाय और पकोड़े इंजॉय करते हैं मज़ों से जैद दावर को चाहिए आइसक्रीम और यहाँ पे स्टॉल है अमूल आइसक्रीम का और बड़ी ही सारे ही फ्लेवर्स वाली आइसक्रीम है यहाँ पे जैद डब्बू दावर ठीक है इस खाना वाना खा लिया हमने और ये रहा शिबा ढाबा तो बस अब हम जा रहे हैं पार्किंग में ही हूँ मैं ये रहे सब तो जैद दावर अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी में आते के साथ जैन रो रहा है बहुत बुरी तरीके से क्या हो गया पापा ड्राइव नहीं करेंगे देखो सब देखेंगे अब सब देखेंगे व्लॉग में कि कितना गंदा बच्चा है ये जो रोता रहता है हर वक्त पापा ड्राइव कर रहे हैं ना अब क्या हो गया रोलो अब रोलो कैमरे के सामने रोलो शबनी रो रही कैमरा कैमरा खुला हुआ है ना तो नहीं रो रहा क्या हो गया रोलो अब रोलो सब देखेंगे कहेंगे देखो कितना गंदा बच्चा है जैन चलो जल्दी से देखो वोरा ढाबा ढाबे को करो बाय बाय अल्लाह हाफिज इंशाल्लाह जब फिर कभी दोबारा यहाँ से गुजरेंगे तो हम सब जाएंगे यहाँ पे खाना खाने ठीक है ये मेरा बच्चा ये मेरा बच्चा भैया जी भैया चलो बस है ना ए, ये क्या गंदी गंदी हरकत गंदी गंदी हरकत ये गंदी गंदी हरकत ए गंदी गंदी हरकत 9 बजे का टाइम दिखा रहा है घर का चलो
तो गाइज हम दिल्ली पहुंच गए हैं, दिल्ली आनंद विहार, और यहाँ का ट्रैफिक देखिए जरा आप, जिसलिए हमारा दिल्ली मशहूर है। तो आते के साथ हम ट्रैफिक में खड़े हो गए। यहाँ पे थोड़ी सी दूर ही है बस घर, लेकिन टाइम आ रहा है उसमें, ये हम 35 मिनट में पहुंचेंगे, है ना निश? ऐसा ही तो फाइनली गाड़ियाँ चल गई, फिर रुक गई और फिर रेड लाइट हो गई है। और ये जैन को देखो जरा, जैन सही से होकर बैठो, देखो जल्दी से, मम्मा वीडियो बना रही है ना, अच्छा सा मुंह बनाकर दिखाओ मुझे, प्यारा सा, अबे बहुत ही प्यारा सा बेटा। चाय पियोगे? ये गाड़ी है बेटा, चाय पियोगे? ली मिला बच्चा, ली मिला फकीता बच्चा। तो हमारी ऊपर मेट्रो भी चल रही है और नीचे ट्रैफिक जाम। तो गाइस फाइनली हम घर पहुंच गए, मतलब घर के बाहर वाले रोड पर, और बस पहुंचने ही वाले हैं। तो यहाँ आकर थोड़ी सांस में सांस आ गई, जो अपना शहर होता है वो अपना ही होता है। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं घर पे, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो गाइस हम घर पे आ गए हैं, बस यही लगा देना दानिश गाड़ी। तो गाइज ये है वो नींबू जो मैंने आपसे जिक्र करा था कि नैनीताल के जो नींबू हैं उनका साइज काफी बड़ा होता है। तो ये 2 किलो में ये 4 नींबू आए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नींबू का साइज क्या है। और ये है वहाँ के आलू, और ये आलू आप देख सकते हैं कि इसका साइज कितना छोटा है। तो उन्होंने बताया था कि सिर्फ इसको वॉश करके ऐसे ही पकाना, और मतलब इसका छिलका नहीं उतारना, बहुत हल्का छिलका होता है इसका। और दूसरा आलू, ये आलू किसी ने भी आज तक देखा नहीं है, मैंने तो कभी नहीं देखा, हम सब ने पहली बार देखा है। तो ये पहाड़ी आलू है और ये काला आलू होता है, और इस आलू में 5 सीटी लगाई जाती हैं, काफ़ी गर्म इसकी होती है तासीर, तो हेल्दी रहता है सर्दियों के लिए। और गाइज ये है गाजर, और अभी हमने सलाद में खाई है गाजर, तो इसमें टेस्ट कुछ अलग है और काफ़ी अच्छा टेस्ट है। और सबसे जो अनोखी चीज़ है ना वो है ये शलजम नहीं है, ये है मूली, जो कि अभी हमने चखी नहीं है। अम्मी सोच रही है कि क्या बनाओगी अम्मी इसका? गोश्त में डालोगी पालक के साथ गोश्त में डालेंगी अम्मी ये मूली। तो गाइज ये है वहाँ की बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी वेजिटेबल्स। तो सबसे अच्छे तो ये नींबू ही थे, मुझे तो सिर्फ नींबू ही लाने थे, लेकिन बाकी की और भी सब चीज़ें इतनी प्यारी सी हैं, तो मैं वहाँ से आपको करीब से दिखा नहीं पाई थी, इसलिए मैंने इस सबको करीब से शूट में लिया है। तो गाइस फाइनली हम घर पे आ गए हैं पापा के घर से, और सब सामान वगैरह भी आ गया है, भैया और दानिश सारा सामान भी लेकर आ गए। तो गाइस बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, ये व्लॉग बस अब हम यही एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आगे, जितने भी व्लॉग्स आएंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें होने वाली है। आई होप कि आपने आज का और अब से पहले के सभी व्लॉग बहुत अच्छे से इंजॉय करे होंगे गाइस। तो आपकी सपोर्ट के लिए बहुत सारा थैंक यू, एंड ये व्लॉग बस अब यहीं कंप्लीट करते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और बस हमेशा खुश रहिए गाइज। अल्लाह हाफिज़।